फतेहपुर में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने सूबे की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बातों बातों में उन्होंने सभा को जमीन तो बीजेपी को आसमानी पार्टी बता दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेईमानी का काम बीजेपी कर रही है, ईमानदारी से चुनाव हुए होते तो जनता सपा के साथ खड़ी है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां बलात्कार, लूट, हत्या और चोरी जैसी घटनाएं चरम पर हैं। वहीं बीजेपी को पूंजीपतियों का पोषक बताया और साथ ही कहा कि देश का अन्नदाता सड़क पर है, ये इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लाखों किसान सड़क पर है लेकिन अपनी हठधर्मिता की वजह से बीजेपी उनकी नहीं मान रही है। समाजवादी पार्टी जमीनी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी आसमानी पार्टी है। अभी जो विधान परिषद का चुनाव हुआ है, बनारस में मोदी जी का प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है और समाजवादी पार्टी जीती है। पढ़े लिखे लोगों ने वोट डाला है, टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी। इलाहाबाद झांसी में बीजेपी का 24 साल से जमे जमाए यहाँ पर विधान परिषद के प्रत्याशी थे। इलाहाबाद झांसी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, यहाँ भी समाजवादी पार्टी जीती है। गोरखपुर जहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, गोरखपुर में निर्दलीय चुनाव जीता है, बीजेपी हारी है। लखनऊ में कांति सिंह पटेल निर्दलीय जीत गए, उसे रात में मार करके उनके एजेंट को भगा दिया। पूरे प्रदेश में बेईमानी का काम केवल बीजेपी के पास है, ईमानदारी से चुनाव होगा। जनता समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। कानून व्यवस्था पे बार बार समाजवादी पार्टी उंगली उठा रही है। समाजवादी पार्टी नहीं उठा रही है, हमारे मीडिया के भाई, पूरे देश प्रदेश के मीडिया के लोग आपराधिक घटनाओं को प्रतिदिन अखबारों से, चैनलों से संज्ञानित कराते हैं, जानकारी देते हैं। कोई जनपद ऐसा नहीं जहाँ पर प्रतिदिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बच्चियों के साथ दुष्कर्म न हो रहा। कोई राज्य का जिला ऐसा नहीं है जिस जिले में हत्या, डकैती, लूट, राजनी, बलात्कार की घटनाएं न हो रही। ये दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी का आरोप नहीं है, समाजवादी पार्टी जो प्रदेश के हालात हैं उन हालात को जरूर उठाती है, अपने विपक्ष के धर्म को निभाती है। 48 दिन किसान आंदोलन के हो, किसान आज भी सड़कों पर बैठा है, समाजवादी पार्टी ये देश के लिए दुर्भाग्य है और देश को बदनाम कर रहे हैं। बीजेपी देश को बदनाम, भारत को बदनाम कर रही है, जिस देश का अन्नदाता किसान, दिल्ली की राजधानी जो दिल्ली है उसके आसपास करोड़ों किसान पड़ा हुआ है ठंड में, भूखे प्यासे। लेकिन बीजेपी सरकार हठधर्मिता इसलिए कर रही है कि वह पूंजीपतियों की पोषक है, पूंजीपतियों को पूंजी बढ़ाने का मौका दे रही है और किसानों की पीठ पर और पेट पर लात मार रही है। दिल्ली में बैठे किसानों को बताया जा रहा है मुट्ठी भर किसान है और पूरा देश का किसान भाजपा के साथ है। अब भाजपा के साथ किसान है, नौजवान है, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है, तो ये बनारस से लेकर इलाहाबाद झांसी तक ये कहाँ क्यों चुनाव हार गए? और अभी किसानों का जा रहा है चुनाव, अभी जो चुनाव आ रहा है उस चुनाव में किसान भी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी सही है कि गलत है, ये बता देंगे।